नमस्कार। एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर मेरे पास में कोई मेरे पास टेलीफोन है और अगर आप में से किसी के पास टेलीफोन है, सपोज तरुण है, उनके पास भी मेरा टेलीफोन नंबर है, अगर एक इंसान को दूसरे इंसान को अगर बात करनी होगी तो डेफिनेटली एक दूसरे का टेलीफोन नंबर जानना ज़रूरी है। जब तक मेरे पास तरुण का टेलीफोन नंबर नहीं होगा या तरुण के पास मेरा टेलीफोन नंबर नहीं होगा तो हम आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो जैसा कि अभी तक का जो कम्युनिकेशन व्यवस्था थी उसमें हम एक दूसरे को नंबर डाल करके बात करते थे। नंबर कौन डाल करता था? अल्टीमेटली ह्यूमन, यानी हम और आप। समय बदला, अब ये जो नंबर है वो मशीनें डायल करती हैं आज के नए कम्युनिकेशन में। जैसे कि अभी हम लोग जूम के माध्यम से एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इस दौरान भी हमारा कंप्यूटर, आप सभी लोग हमारे कंप्यूटर से जुड़े हैं, हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को हमने एक लिंक प्रोवाइड किया। लिंक के बैक में एक आईपी एड्रेस होता है। तो यू कैन से कि आज की डेट में द न्यू वर्जन ऑफ टेलीफोन नंबर इज नोन एज आईपी एड्रेस। और आईपी एड्रेस क्यों? क्योंकि जो मशीनें आपस में एक दूसरे से बात कर रही हैं, और मशीनें केवल बाइनरी भाषा को ही समझती हैं, डेसिमल भाषा को नहीं समझती है, इसीलिए आईपी एड्रेस का मॉडिफाई लाया गया ताकि मशीनें आपस में एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकें। तो इस चीज़ को समझने के लिए, आईपी एड्रेस को समझने के लिए पहले हमें अपने टेलीफोन नंबर को समझना होगा, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस को मैंने दो फाड़ किए हैं। तो कुल मिला के 3 दिन का सेशन, मुश्किल से 30 मिनट से ज़्यादा का सेशन किसी भी हॉल में नहीं होने वाला है, कम ही हो सकता है, तो हम उस पे करेंगे। और आपको आज के बाद हो सकता है कि फिर इन 3 सेशन के बाद कभी आईपी एड्रेस पढ़ने की जरूरत ही महसूस ना हो, और अब बहुत ही आसानी से आप दूसरों को भी समझा पाएंगे और आने वाले समय का जो कम्युनिकेशन अरेंजमेंट है उसको भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो बिना देर के मैं सबसे पहले शुरू करने वाला हूँ। आज का एक टेलीफोन नंबर जो मैं आज के स्क्रीन में लिखता हूँ उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, और आप में से कोई भी वॉलेंट्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अगर कोई भी वॉलेंट्री अपने आप से आ जाए जिनकी आवाज रिकॉर्ड हो सके, क्योंकि सवाल ऐसे इसका जवाब सभी के पास में, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब नहीं है। आप चैट के माध्यम से भी बता पाएंगे, और जो लोग जो म्यूट होंगे टेलीफोन पे वो भी हम बता पाएंगे। तो कोई एक अनम्यूट हो सकता है? एनी वन वॉलेंटियर? क्या यस आप हैं? चलिए मैं आपके स्क्रीन पे, सभी लोग लिखेंगे इस सवाल का, मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ। सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, आप अब आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक, ओके सर। रिकॉर्ड में अच्छी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आपके स्क्रीन पे एक टेलीफोन नंबर लिखा। जैसा कि अभी हम लोगों ने अब तक का जो सेशन हुआ है उसमें आप ये चीज़ समझ चुके हैं कि पुराने जमाने में जो भी कम्युनिकेशन होता था उसमें लैंडलाइन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन था। फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द टेली कम्युनिकेशन एंड टिल टाइम, शुरू से लेके अब तक टेली कम्युनिकेशन में जो इम्पोर्टेंट मीडिया था वो कापर वायर था, और कापर वायर का जो लेंथ थी वो 5 से 6 किलोमीटर के दायरे पे सीमित थी। हर 5 किलोमीटर दायरे पे एक टेलीफोन नंबर, टेलीफोन एक्सचेंज होता था, ठीक है। तो उसी आधार पे टेलीफोन नंबर का बनाया गया, और जो आज भी कायम है, हमारे नए कम्युनिकेशन अरेंजमेंट में भी पूरा का पूरा वही फॉलो होता है। देखने में लोगों को समझने में नहीं आता हो, लेकिन जब उसका बेसिस समझेंगे डेफिनेटली आपको पूरी की पूरी बातें समझ में आएगी, ठीक है। तो मैं एक भी मान लेता हूँ कि इंडिया में किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, सब कुछ राइट है, सब कुछ सही चल रहा है। तो मैं आपके स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर लिखा है। पहला सवाल सभी से, यह टेलीफोन नंबर दुनिया के किस हिस्से में है, कहाँ पे मिलेगा? सभी लोगों को मालूम है, बताइए कहाँ पे मिलेगा ये टेलीफोन नंबर। दिस टेलीफोन नंबर विच बिलोंग इन द वर्ल्ड? यस, सर इंडिया, इंडिया में। आपने कैसे बोला इंडिया में? प्लस सर +91 कोड नाइन, है। वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक है। जो भी आप बताएं, आपने कहा ये +91 है, सभी लोग बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंट्री कोड, और नो डाउट दिस इज द इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं। अब ये तो तय हो गया कि ये जो भी टेलीफोन नंबर लिखा गया स्क्रीन पे वह इंडिया में होगा। अब मेरा दूसरा सवाल, क्या दिव्या आप इसको चेंज कर सकते हैं? अभी तक जो लगता है, यस सर प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन।
पॉसिबल है, अभी तो नहीं है। एक बार रिपीट कर दो कुछ। मैं ये जो 91 है इंडिया का कंट्री कोड है, क्या आप इसको बदल सकते हैं? नो सर। दिस इज द फिक्स। वेरी नाइस। ये कंट्री कोड ऑलरेडी वन टाइम डिसाइडेड, तो ये हो गया, फिक्स हो गया, आप इसे बदल नहीं सकते। चाहे कैसना भी जमाना बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए, जो चीज फिक्स हो गई सो फिक्स हो गई। ओके, अब इंडिया के अंदर ये जो टेलीफोन नंबर है कहाँ पे होगा, आप कैसे बताएंगे? इंडिया ने बता दिया आपने, फर्दर कुछ आइडिया? नो सर। नो। एनी अदर? कुंती ने लिखा गाजियाबाद का। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप अपने फादर से पूछेंगे या पूर्वज से पूछेंगे, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है ये, आज भी कायम है। लैंडलाइन केस अगर नंबर मिलाएंगे तो, क्योंकि लैंडलाइन में अभी भी कोई आपको गड़बड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो अभी भी कायम है ये 120 जो है। ये जो नेक्स्ट डिजिट जो लिखा है यहाँ पे, फिलहाल 3 डिजिट का लिखा है, ये 2 डिजिट का भी हो सकता था, 3 डिजिट का भी हो सकता था, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं 4 डिजिट का भी हो सकता था। तो पुराने टाइम में अगर अपने आप पेरेंट से पूछेंगे तो ये उनको कहते थे एसटीडी कोड, ठीक है, और ये फिक्स होता था, सभी को मालूम होता था कि व्हाट इज द एसटीडी कोड, एसटीडी कोड क्या होता है, और बेसिकली ये क्या है, एरिया कोड। अगर रफ भाषा में बोलें, आम लोगों की भाषा में बात की जाए तो ये एरिया कोड है, ठीक है। और ये जो एरिया कोड है ये 2 शहरों का है आज की डेट में, एक है आपका नोएडा और दूसरा है गाजियाबाद, ठीक है ना। और ये भी फिक्स है, जिस तरह से 91 आप बदल नहीं सकते, उसी तरह से 120 को भी आप बदल नहीं सकते। दिस इज द फिक्स। जस्ट टेल मी। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट सभी लोग बता सकते हैं, आपके पेरेंट बता सकते हैं, सभी लोग बता सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। यहाँ तक अब किसी से पूछे, उसके बाद जो डिपार्टमेंट में लोग जो काम करते थे, जो पुराने लोग थे या हम जैसे लोग अभी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, वो फर्दर इन चीज़ों को आगे का भी बता सकते हैं कि आगे का कैसे डिसाइड बना हुआ है। दिव्या आपने पूछा 0120 और 120 में क्या डिफरेंस होता है, कोई डिफरेंस नहीं है। 0 का मतलब होता है 91 बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना, 0 इज द मीनिंग, 0 आइदर 91 इज द सेम, ओके। कोई मतलब आप 0120 लिखो या प्लस 9, बाय डिफॉल्ट 91 लिखना चाहिए, 0 तो लोकल जो हम लोग पीसीओ में बात करते थे ताकि किसी को 91 बार बार लिखना ना पड़े, प्लस 91 दबाने में हमारे हैंडसेट में तकलीफ होती थी, परेशानी होती थी, तो इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए 0 एज ए सिंबल यूज कर दिया, तो वास्तव में प्लस 91 है, ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस। नाउ अगला जो नेक्स्ट है आपका 27। यहाँ तक तो एक आम आदमी बता देता था 27 जो हम लोग काम करते थे, तो ये जो 27 अब गाजियाबाद नोएडा भी काफी बड़ा है, तो ये भी फिक्स होता था, ये भी आप बदल नहीं सकते, ये भी फिक्स हो गया आपका, दिस इज ऑल्सो फिक्स। तो जो आपका 27 है ये आपका राजनगर का है, राजनगर वेयर इज लोकेटेड, राजनगर लोकेटेड है गाजियाबाद में, ठीक है ना। तो गाजियाबाद के राजनगर में जितने भी टेलीफोन सिस्टम लगते थे, दिस इज द गाजियाबाद, आसपास वो सारे के सारे 27 से स्टार्ट होते थे। गाजियाबाद में अगर राजनगर में आ जाए, 27 नंबर देख के ही मैं बता दूंगा कि राजनगर का है, ये इतना होता था। और राजनगर भी अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। अब राजनगर में जैसा कि मैं ऑलरेडी हम लोग लैंडलाइन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे, तो हर 5 किलोमीटर रेडियस पे एक टेलीफोन एक्सचेंज लगाया गया था। तो जो 555 था, जो नेक्स्ट 555 है, वो डिसाइड होता है नेक्स्ट आपका 555, दिस इज अ डिसाइडेड सब एरिया, ये टेलीफोन एक्सचेंज कौन से एक्सचेंज का है, दिस इज द ALT सेंटर एक्सचेंज, ALT सेंटर एक्सचेंज जिस टेलीफोन एक्सचेंज में चला गया, ठीक है ना। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये जो हमारा टेलीफोन नंबर है 91 प्लस 91 120 27555 फिर 164, ये नंबर आपका जो है 2 भागों में डिवाइडेड हो गया। वन इज द फिक्स पार्ट, यहां से लेके यहां तक, दिस इज द फिक्स पार्ट, ठीक है ना, दिस इज द फिक्स पार्ट, मतलब फिक्स पार्ट, ओके। सेकेंड इज दैट आपका जो है ये जो लास्ट के 3 डिजिट है, ये बेसिकली क्या है, सीरियल नंबर, कस्टमर पहले नंबर पे आएगा, सीरियल नंबर आएगा, ठीक है ना। पुराना देखना है तो देखो अभी, जस्ट 1 मिनट,
ना स्क्रीन शॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। और बाय डिफॉल्ट मैं इसको सेव भी कर देता हूँ अगर आप चाहते हैं। सेव कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अभी ये जो है नंबर जो मैं फर्दर आ रहा था आगे, ये जो नंबर है आपको दो भागों में बटेगा, एक तो फिक्स पार्ट, दूसरा कस्टमर वाला पार्ट हो गया आपका, ये फिक्स पार्ट हो गया, ठीक है। इससे ये डिसाइड हो जाता था कि ये नंबर दुनिया के किस कोने में है, 91 कंट्री, नेक्स्ट कंट्री के अंदर पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर एरिया के अंदर सब एरिया, दिस इज द इंडिया, दिस इज द गाजियाबाद नोएडा, दिस इज द राजनगर, और राजनगर भी बहुत बड़ा, तो कौन सा टेलीफोन एक्सचेंज में हो गया, यहाँ तक आपको डिसाइड। चंदन कुमार धमाकेदार एंट्री करते हो यार, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट फिर से अगेन, अनम्यूट मत करो, जब बोला जाए तब करो, रिकॉर्डिंग आप ही की खराब होनी है, मेरी क्या है। तो नेक्स्ट थ्री डिजिट है, ओके गुड इवनिंग, जो नेक्स्ट थ्री डिजिट है बेसिकली ये एएलटी सेंटर का हो गया, ठीक है ना। एएलटी सेंटर में एक टेलीफोन एक्सचेंज लगा जहां मैं बैठा हूँ, ठीक है। तो अगर एएलटी सेंटर में, दिव्या आप फिर अनम्यूट कर लीजिए, अगर एएलटी सेंटर में अगर मैं पूछूं तो ये जो लास्ट का थ्री डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर है, बाकी पार्टों बदल नहीं सकते, तो जो फर्स्ट टेलीफोन नंबर है वो क्या होना चाहिए। देखो 91 फिक्स हो गया, हम नहीं बदल सकते, 120 फिक्स हो गया, नहीं बदल सकते, 27 भी फिक्स हो गया, ये भी नहीं बदल सकते, 55 भी फिक्स हो गया। अब लास्ट का जो थ्री डिजिट है वो कस्टमर का सीरियल नंबर है, सीरियल। तो पहले जब पहला कोई कस्टमर आया तो उसका पहला टेलीफोन नंबर क्या होगा सर? 001 0, गिनती की शुरुआत याद रखिए, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज, वेरी नाइस तरुण, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर, राइट। इसी तरह से उस एक्सचेंज में अगर हम लास्ट, इसके बाद क्या होगा, 000 जो भी आपका शुरू में तो सही रहेगा, मैं डॉट डॉट लिख दे रहा हूँ, लास्ट में अगला कस्टमर आएगा तो 001 दे दोगे, फिर अगला कस्टमर आएगा तो आप क्या दोगे, जो चीज फिक्स है उसको तो बदल ही नहीं सकते, 002 दोगे। तो फाइनली जब हम नीचे की तरफ जाएंगे और एकदम से लास्ट में हम चलते चले जाएं, ठीक है ना, तो जो लास्ट में जो कस्टमर आएगा उसका टेलीफोन नंबर क्या होगा? यस 999, एम आई राइट? ठीक है, तो कोई भी एक्सचेंज हो तो अब इस बताइए, दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, ठीक है ना, दिस इज लास्ट टेलीफोन नंबर। अगर आपसे मैं ये सवाल पूछूं सभी लोगों से कि ये जो हमारा एएलटी सेंटर का टेलीफोन एक्सचेंज लगा है इससे कितने कस्टमर को टेलीफोन दिए जा सकते हैं, अब आपको क्या लगता है, हाउ मेनी कस्टमर इज पॉसिबल फ्रॉम दिस टेलीफोन एक्सचेंज? यस आंसर टाइप 1000, वेरी नाइस, कुंती ने बहुत अच्छा लिखा, आकांक्षा, कोई ऐसा तो नहीं 999 लिख देगा, 1000001, वेरी नाइस। तो ये बात आपको क्लियर हो गया, अगर उससे ज्यादा कस्टमर है, जिस तरह में कभी किसी जमाने में यहाँ पे 1400 इम्प्लाई, 1400 इम्प्लाईज काम करते थे और सबको टेलीफोन मिला हुआ था, तो उस केस में क्या किया गया था, उस केस में हमने क्या किया था कि यहाँ पे सेम, यहाँ पे 555 है, वहां पे हमने एक और लेवल लिया हुआ है, 28 भी लिया हुआ है। तो एलटी सेंटर में कोई भी लैंडलाइन अगर मिलाएंगे तो 9112027555 भी मिलेगा, आज की डेट में 555 वाले सारे एक्टिव हैं, 28 भी नंबर यहाँ पे होगा, फर्दर आगे सीरियल नंबर चेंज होगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको सभी को ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान से सुनिएगा, फिर सवाल पूछूंगा, ये जो टेलीफोन नंबर है, जो पहला टेलीफोन नंबर है, नॉट गिवेन टू एनी कस्टमर, ये किसी भी कस्टमर को नहीं दिया जाना है, लास्ट टेलीफोन नंबर है, ये भी किसी कस्टमर को नहीं दिया जाना है। तो अब जो कस्टमरों की संख्या कितनी हो गई, 998, एम आई राइट? यस या नो? यस, हम 998 हो गए, बिल्कुल ठीक है। तो अब पहला और लास्ट टेलीफोन नंबर हम कस्टमर को नहीं देते हैं तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? जो पहला टेलीफोन नंबर है वह उस एक्सचेंज की एक्सचेंज आईडी बोलते हैं, द फर्स्ट टेलीफोन नंबर इज नोन एज द एक्सचेंज आईडी, एक्सचेंज आईडी।
अगर कोई ये पूछे जैसे कि आप कॉलेजों में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तो उस केस में आप एग्जाम में आपका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आपका रोल नंबर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, या मैं जैसे BSNL में अभी काम कर रहा हूँ तो मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा इम्प्लाई नंबर क्या है वो इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी देश के लिए, आज कहने के लिए तो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आफ्टर सम टाइम वो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, वो सारा उनकी सबके कोई ना कोई आईडी डिसाइडेड है, दे विल बी आइडेंटिफाई फ्रॉम, उनकी सैलरी नाम से नहीं बनती, मोदी साहब के नाम से सैलरी नहीं बनती, जो भी सैलरी मिलती है उस आईडी के नाम से मिलती है। तो जो पहला टेलीफोन नंबर है एक्सचेंज आईडी, कल को अगर अमेरिका वाला पूछता है गिव योर एक्सचेंज आईडी, तो उसको कुछ नहीं सोचना है, सिंपली 9112027555000 समझ जाएगा कि ये ALT सेंटर लोकेशन का एक्सचेंज आईडी है। ये तो बहुत अच्छी बात हुई। अब रह गया लास्ट टेलीफोन नंबर, व्हाट इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। आप सब बहुत ही लकी हैं कि आज किसी का बर्थडे है, किसी का नया साल है, इवन हमारे मोदी साहब भी हैं, ठीक है ना, सुबह सुबह खड़े हुए और एक ट्विटर पे जाके ट्वीट मार दिया, ठीक है ना, सबको पता चल गया, मन की बात ट्विटर पे ही डाल दी, ठीक है, कि आज भाई नया साल, ठीक है, किसी को तो तुरंत सबको इनको आज बहुत ही, मतलब कहने का मतलब है कि आज की डेट में अगर आपको कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना है, सबको फैलाना है, यू हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन, आइदर फेसबुक, आइदर व्हाट्सएप, सिंपली गए मैसेज किया और सबको सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है ना, दैट इज वेरी इजी। बट लेकिन आने वाले जमाने में, अभी जो हमारा पुराना जमाना था और नया जमाने में क्या डिफरेंस है, पुराने जमाने की पहले बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी सर के समय की बात कर लेता हूँ, वो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई ट्विटर नहीं था, तो क्या वो लोग मैसेजिंग नहीं करते थे, क्या वो लोगों को नया विश नहीं करते थे। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था आज से करीब 25-26 साल पहले, जब अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, तो वहां पे क्या हम अपने दोस्तों को नए साल विश नहीं करते थे, क्या हम उन्हें, कोई तरीका अलग था, उस समय जो मेरे पास संसाधन थे हम उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करते थे। हमारे टाइम में आर्चिट गैलरी बहुत चलती थी, हमारे टाइम में एक दूसरा ऑप्शन था फोन, उसका यूज करते थे। उसी तरह से हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे वाजपेयी साहब, मुझे याद है कि वो अपने बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए दो ऑप्शन थे उनके पास में, आइडर टीवी टेलीविजन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूसरा ऑप्शन था उनके पास में ये आपका टेलीफोन सिस्टम। तो टेलीफोन जैसे हम लोग उठाते थे तो टेलीफोन में पहले से आवाज आ, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहा हूँ, 9 वर्ष पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, तो ये जो मैसेज है ये मैसेज हवा में नहीं होता, किसी न किसी टेलीफोन नंबर पे डिसाइडेड होता है, एंड दिस इज द लास्ट टेलीफोन नंबर, और जो लास्ट टेलीफोन नंबर है हम उसे ब्रॉडकास्ट आईडी के रूप में जानते हैं। होपफुली कि आप सभी को समझ में आ रही होगी बात। 1 मिनट, हेलो दिव्या, आपने पूछा 998 वाला नंबर पर ये मैसेज सेंड कर देते हैं। 998 तो लास्ट नंबर है, टेलीफोन नंबर है, 999999 इज द लास्ट टेलीफोन नंबर। आपका सवाल एक बार पूछें वैसे तो मैं समझ पाऊं, 999 वाला, यस यस यस, 999 नंबर, द लास्ट जो आपका लास्ट जो नंबर है 999, दिस इज द ब्रॉडकास्ट आईडी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपका है 91, जो +91120275999, तो दिस इज द नोन एज द ब्रॉड कास्ट आईडी, ठीक है ना, दिस इज द ब्रॉड कास्ट आईडी, क्या लिख दिया, ब्रॉडकास्ट आईडी, ओके, द ब्रॉडकास्ट आईडी इज नथिंग, दिस इज द जस्ट आपका वो है जिसपे हम लोग जनरल मैसेज सबको सेंड करते हैं। तो मैं सिर्फ समराइज करूंगा, कोई भी टेलीफोन नंबर दो भागों में बटा होता है, एक फिक्स पार्ट जिससे ये डिसाइड होता है कि ये टेलीफोन नंबर दुनिया के किस कोने में है, दूसरा कस्टमर का सीरियल नंबर, और जो पहला टेलीफोन नंबर बनता है जैसे कि इस वाले केस में 9112027555000, दिस इज द फर्स्ट टेलीफोन नंबर नॉट गिवन टू एनी कस्टमर, ये उस एक्सचेंज की आईडी के रूप में लिया जाता है। उसी तरह से लास्ट टेलीफोन नंबर भी किसी कस्टमर को नहीं देता, अगर कोई एक जनरल मैसेज सभी के टेलीफोन पे ब्रॉडकास्ट करना है तो ये हमारे लास्ट टेलीफोन नंबर से होगा, ठीक है।
तो एक्चुअल जो कस्टमर को दिया जाने वाला नंबर है, पहला और लास्ट को हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो एक्चुअल बचता है वो आपका 1 से लेके 99, इस हमारे वाले केस में। तो अभी आपके स्क्रीन पे जो टेलीफोन नंबर लिखा है, बेसिकली ये मेरा ही लैंडलाइन नंबर है, मेरे ऑफिस का ही लैंडलाइन नंबर है जिस पे मैं अवेलेबल हूँ। दिस इज माई लैंडलाइन नंबर। ओके, तो होपफुली इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं होगा। कॉलर ट्यूनर जो लगा है वो बेसिकली PRBT होता है, पर्सनलाइज रिंग बैक टोन होता है। वो रिंग बैक टोन होता है कि वो सर्वर से आता है। अगर मैं अपने फ़ोन पे खुद लगा सकता हूँ, तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में चेंज हो गया है आज के ज़माने में। बीच में एक सर्वर नाम की प्रथा लगा दी गई है, ठीक है ना। नो 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 अफरा अफरा, मैं आपको बिल्कुल साफ बता रहा हूँ, दिस इज द, मैंने अभी आपके सामने जो फैक्ट रखे ये वास्तव में है, सभी के लिए है। लेकिन एक 2G घोटाला सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। अगर आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है तो मैं बता भी देता हूँ लगे हाथ। 2G घोटाला का नाम शायद आप लोगों ने सुना जरूर होगा, होगा क्या ये नहीं मालूम होगा किसी को। एम आई राइट, यस या नो? अपना कैन यू अनम्यूट, आप यस अनम्यूट कर सर, यस सकते सर। हो, ठीक है ना। तो 2G घोटाला में मैं जनरल बताता हूँ हुआ क्या था। एक बात तो आपको तय हो गई कि जो भी टेलीफोनी व्यवस्था की गई थी वो लैंडलाइन वाला जो अरेंजमेंट है आपको याद हो गया, ठीक है। तो सन 2000 में उस समय लोगों ने कहा कि भाई अगर टेलीफोन लगवाना है तो घर तक कापर वायर तो बिछाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, घर तक कापर वायर बिछाना ही पड़ेगा। यस सर, लेकिन अब नंबर ऑफ कस्टमर डे बाई डे इतने बढ़ने लगे कि घर तक हम कापर इतना ज्यादा तो नहीं बिछा सकते। तो उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया कि मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। गवर्नमेंट ने क्या किया कि भैया ये जो ये टेलीफोन नंबर है और एक्सचेंज तक जाने के लिए जो कापर वायर है, इसको उन्होंने उफरी कर दिया। उन्होंने कहा यहाँ पे इसको ये हमारा मोबाइल फोन में कन्वर्ट कर दो 2G मोबाइल फोन में, और इसको बोला उन्होंने CDMA मोबाइल फोन, मोबाइल का नाम रखा CDMA, और यहाँ पे टावर लगा दिया। और ये जो CDMA मोबाइल फोन था, इनका जो टेलीफोन नंबर था बिल्कुल वैसे ही देना था जैसा कि लैंडलाइन, उसमें STD कोड लगेगा 9110। तो ये जो घर पे जो फोन लगा, इसको हम लोग विल फोन भी बोलते थे, WL फोन या विल फोन। तो ये जो लैंडलाइन जो घर पे रखा होता था जिसमें वायर नहीं होते थे, नियर बाई टावर से हम लोग उसको कनेक्ट करते थे। तो इसका नंबर मैंने, मैं अगर मैं वो WL फोन यूज करूँ तो उसमें भी मेरा ये नंबर 2755164 हो सकता था विद STD कोड के साथ में, ठीक है। तो उस समय भी रिलायंस शेर बन के आ गया था, तो उसने भी क्या किया कि भाई ऐसा करते हैं, उसने इस टेलीफोन पे रोमिंग दे दी। रोमिंग देने का मतलब था 120, जैसा कि मैंने कहा 120 कहाँ होगा, आप कहते हो गाजियाबाद में होगा, वन गाजियाबाद वन क्या होगा, दिल्ली में होगा, डबल टू दिल्ली। कहाँ होगा, मुंबई में होगा। ये आप एक जनरल सबको मालूम था उस टाइम पे, ठीक है। तो रिलायंस ने क्या किया, चूंकि ये हैंडसेट फ्री हो गया था, हैंडसेट फ्री होने की वजह से रिलायंस ने क्या किया, इस पर रोमिंग कर दी बिना किसी उसके। मतलब बंदा बैठा 120 गाजियाबाद में, और मोबाइल लेके घूम रहा है बनारस में, वो मोबाइल लेके घूम रहा है कोलकाता में। तो कोलकाता में भाई अगर, किसका? ठीक है, तो जब ये पता चला कि बंदा बनारस में बैठा, उसको भी आपने वही नंबर दे दिया, कोडिंग वोडिंग कोई चीज फॉलो नहीं हुई, कोडिंग वोडिंग कोई चीज फॉलो नहीं हो रही है, तो फिर उस टाइम पे जब ये सामने निकल गया, 2G नाम का घोटाला आ गया। लेकिन कस्टमर को किसी भी चीज का कोई परेशान ना किया जाए, तो ये बहुत बड़ा घोटाला निकला जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना है। स्पेक्ट्रम में गड़बड़ी कर दी गई थी, तो इस घोटाले से मुक्ति करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा, हम ये जितने भी CDMA फोन है, जो मोबाइल टाइप के फोन हैं, उनको उन्होंने रिप्लेस कर दिया। उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया आपको नए टाइप के मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम में, और ये समस्या दूर हुई जब 3G हमारे पास में आ गया। और आज की डेट में कोई CDMA फोन मोबाइल लैंडलाइन की तरह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी नंबर है, सपोज करो आज का कोई भी नंबर है, मोबाइल का नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना, एक जनरल में बात करता हूँ, मान लो मोबाइल का नंबर किसी का है 9 9, ऐसे ले रहे जनरल 9 1, ठीक है, 9411892744। तो आज की डेट में अगर आप इसको देखेंगे तो केवल इससे तो पता चल जाएगा कि ये नंबर हमारा
उसका है, इंडिया में है, लेकिन फर्दर आपको परेशानी होगी क्योंकि उस समय गड़बड़ी हो गई। तो फिर लोगों ने क्या किया कि चूंकि सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया तो इसके पीछे एक कस्टमर आईडी, सीआईडी बोलते हैं, सीआईडी नाम का एक कोडिंग कर दी गई। तो जब इसका कोडिंग होती है ना तो वो उसी पार्ट में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि लैंडलाइन 9112027554, चाहे गवर्नमेंट की कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पीछे अगर आप इन नंबर, अब इंडिया में लेकर कहीं भी घूम सकते हो, लेकिन जिस एरिया में जाओगे वहां पे इसका डिकोड करके वह इस तरह से उसकी कस्टमर आईडी बनाई जाती है। तो जब भी आप चेंज करते हैं कुछ भी, चाहे कंपनी भी बदलेंगे ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे की जो कोडिंग होती है ना वो बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? गड़बड़ हो गई थी इसलिए आज की डेट में आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल है कि नंबर कहाँ का है, लेकिन आप इस बात से बिल्कुल श्योर रहिए कि इस नंबर के पीछे की जो कोडिंग है उसी तरह से है। एक नंबर, ये नंबर, ये टेलीफोन नंबर हिंदुस्तान के किस कोने में वो बताएगा और अगला वो कस्टमर का सीरियल नंबर बताएगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन? यस अफरा, दिस द वैल्यू आर ओनली फॉर वैलिड बीएसएनएल, नॉट दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑल एंड बट इन द टूडे डायरेक्टली ईच एंड एवरी नंबर नॉट यू कैन आइडेंटिफाई, इसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना? दिव्या पूछ रहे हैं कि वी हैव टू टेक आवर इंडियन फोन नंबर टू फॉरन, दैट सी प्रोसीजर। हाँ, अगर आप इंडिया कौन से दूसरे कंट्री में जाते तो हर दो देशों के बीच में एक समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है। तो हम बीएसएनएल इंडिया में है लेकिन बीएसएनएल का किसी और कंपनी में, दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे तो अलग कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है। तो वहाँ पे जाते ही हमारा जो नंबर है भले इंडियन लेवल पे हो लेकिन लोकल लेवल पे एक अलग आइडेंटिटी जनरेट हो जाती है, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर का दौर है तो हमें पता ही नहीं चलता कि चीज़ें कैसे हो जाती है। प्रोसीजर बहुत ही ईजी है कि सिंपली आप अपने कंपनी को जाएंगे, कंपनी आपको एक पोर्ट नंबर की आईडी दे देगी, एक रिक्विजिशन डालेंगे और डे टू डे एक पोर्ट नंबर की आईडी दे देंगे कि आप बीएसएनएल कस्टमर, आप परमानेंट जा रहे हैं तो क्लोज करवाएगा, परमानेंट नहीं जा रहे हैं टेम्पररी बेसिस घूमने जा रहे हैं तो उस कोड पे, पहले क्या होता था कि हम एक नया सिम भी दे देते थे, लेकिन आप कहते हैं कि भाई जब 4G और 5G आ गया तो यूनिवर्सल सिम हो गया है, दुनिया के किसी भी कोने जगह काम करेगा, तो आपको सिम भी आज की डेट में बदलने की जरूरत नहीं है। और इवन अब तो ई सिम आ गया है, ई सिम समझ रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर बेस का सिम, सिर्फ आपको कोड डालना है। तो आपको जब भी जाएंगे जो भी कंपनी है आप उसके पोर्टल पे जाइए, उसका प्रोसीजर अवेलेबल है, प्रोसीजर मतलब रिक्वेस्ट अवेलेबल है, आप रिक्वेस्ट डालेंगे आपके मोबाइल पर बाई डिफॉल्ट ओटीपी जैसा आता है एक कोड आ जाएगा, उस कोड का अपने जिस भी कंट्री में जाएंगे उस कोड को जैसे एंट्री करेंगे तुरंत वो कोड मांगेगा, कोड आप उसको डालते ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। वो तो बड़ा इजी हो गया है आज की डेट में, आज इतना टफ नहीं रह गया। ठीक है, एनी कोई मोर क्वेरी? कल हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे, इतना ही टाइम लेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है ना, मैंने उससे सबको म्यूट कर दिया क्योंकि बार बार डिस्टर्ब कर रहे थे सारी, अभी मैं अनम्यूट कर देता हूँ, किसी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने अलाउ कर दिया है। ठीक है, तो अगेन सी यू टुमारो, मैं ज़्यादा दिमाग वो गर्म नहीं करने वाला हूँ, दैट्स ओके। ठीक है, हैव ए नाइस डे, अगेन सी यू टुमारो, 30 मिनट ओनली।